तो अब देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर सेवन, यानी पार्ट सेवन। देखो पार्ट सेवन में हमें क्या गिवन है, साइन थीटा माइनस टू साइन क्यूब थीटा, ऐसा ही कुछ गिवन है। साइन थीटा माइनस टू साइन क्यूब थीटा अपॉन में डिवाइडेड बाय, मतलब डिवाइडेड बाय टू कॉस क्यूब थीटा, टू कॉस क्यूब थीटा माइनस कॉस थीटा, क्या है यहाँ पर, माइनस का कॉस थीटा। और ये हमें प्रूव करना है किसके बराबर, कि ये पूरा पूरा आइडेंटिटी जो है वो टेंजेंट थीटा के इक्वल है। तो हमने क्या करना है यहाँ पर, अब वही बात है कि हमें सबसे पहले क्या करना है, ये देखना है कि सॉल्व करने की पॉसिबिलिटी कहाँ है, क्योंकि ये तो बिल्कुल इतना सा, इसको आप सॉल्व नहीं कर सकते, बट यहाँ पर कुछ कर सकते हैं। तो अगेन हम लोग क्या करते हैं, टेकिंग एलएचएस, टेकिंग एलएचएस, हमने एलएचएस ले लिया, क्या किया, साइन थीटा माइनस टू साइन क्यूब थीटा, ठीक है, डिवाइडेड बाय टू कॉस क्यूब थीटा माइनस कॉस थीटा, ठीक है, एलएचएस तो ले लिया। लेकिन अब क्या, अब क्या, अब पॉसिबिलिटी ढूंढते कि क्या किया जा सकता है, क्योंकि देखो साइन थीटा माइनस टू साइन क्यूब थीटा कोई आइडेंटिटी नहीं बन रही। अगर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर जैसा कुछ बन रहा होता तो लगा देते, लेकिन यहाँ ऐसा नहीं बन रहा, ऐसे ही नीचे भी कुछ नहीं बन रहा। पर एक चीज दिख रही है क्या, कि यहाँ से साइन थीटा कॉमन लिया जा सकता है, यहाँ से साइन थीटा कॉमन लिया जा सकता है और अंदर बचेगा वन माइनस टू साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है, बच गया टू साइन स्क्वायर थीटा, कैसे, कि क्यूब था एक तो कॉमन ही ले लिया, जैसे ही मल्टीप्लाई करोगे यही टर्म बनेगा। ऐसे ही क्या करना है, यहां से कॉस थीटा कॉमन ले लो, अंदर क्या बचेगा टू कॉस स्क्वायर थीटा माइनस वन, ठीक है, टू कॉस स्क्वायर थीटा माइनस वन। अब क्या करें, अब वन माइनस टू साइन स्क्वायर थीटा की भी कोई आइडेंटिटी हमने नहीं पढ़ी, ऐसे ही टू साइन स्क्वायर थीटा माइनस वन की आइडेंटिटी नहीं पढ़ी, पर एक चीज पढ़ी है साइन थीटा से रिलेटेड, क्या, कि हम अगर ऐसा कुछ करें यूजिंग दी आइडेंटिटी, क्या यूजिंग दी आइडेंटिटी, साइन थीटा से रिलेटेड एक आइडेंटिटी पढ़ी थी हमने, क्या, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू वन, यानी अगर मुझे कहीं दिखता है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा तो मैं उसकी जगह वन लगा देती हूँ। बट इट कैन बी डन वाइस वर्सा, ये उल्टा भी किया जा सकता है कि अगर कहीं वन दिख रहा है और मुझे जरूरत है तो मैं ये कर सकती हूँ कि वन की जगह साइन स्क्वायर थीटा और कॉस स्क्वायर थीटा पुट करें, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, दोनों में ही न्यूमरेटर एज वेल एज डिनोमिनेटर में वन की जगह पर साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा पुट कर देते हैं। देखो क्या किया, साइन थीटा और ब्रैकेट में क्या है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, ये बन गया माइनस का टू साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है, डिवाइडेड बाय कॉस थीटा। अब कॉस थीटा में जो माइनस का वन है, यहां पर तो हमें वन की जगह पुट करना है क्या, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, लेकिन माइनस मल्टीप्लाई होगा किससे, वन से, एंड सो विद साइन स्क्वायर थीटा एंड कॉस स्क्वायर थीटा, तो ये क्या करेगा, इन दोनों को भी माइनस बना देगा। कैसे, देखो टू कॉस स्क्वायर थीटा माइनस क्या आ जाएगा, अब इस वन की जगह क्या पुट किया मैंने, साइन स्क्वायर थीटा, लेकिन जैसे ही माइनस इस प्लस के साथ गया तो ये भी माइनस कॉस स्क्वायर थीटा हो गया, ठीक है, समझ में आया। अब ये तो कर दिया, अब क्या करें, अब हमें सॉल्यूशन दिख रहा है, कैसे, लाइक टर्म्स दिख रही है, साइन स्क्वायर थीटा, यहाँ पर मैंने थीटा नहीं लिखा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस माइनस कर सकते हैं हम, आता है वो तो हमें, तो कर लेते हैं, साइन स्क्वायर थीटा माइनस टू साइन स्क्वायर थीटा, वन साइन स्क्वायर थीटा बचा तो कर दो, यहाँ पर इक्वालिटी नहीं भूलना है आपने, यहाँ पे दिखा साइन थीटा इंटू में, यहाँ पर क्या आ गया, कॉस स्क्वायर पॉजिटिव था ना, मैंने पहले कॉस स्क्वायर थीटा रख लिया, क्योंकि साइन स्क्वायर थीटा माइनस टू साइन स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा बचेगा, ठीक है। सिमिलरली कॉस थीटा नीचे एज इट इज, और यहां पर टू कॉस स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, दैट मीन्स क्या बच गया, कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा एज इट इज। अब यहां पर क्या दिख रहा है, कुछ कुछ सेम सेम चीजें दिख रही है ना, और ये भी दिख रहा है कि ये दो एक्सप्रेशन आपस में मल्टीप्लीकेशन में है, नीचे भी ये दो एक्सप्रेशन आपस में मल्टीप्लीकेशन में है, तो वी कैन कैंसिल वन एक्सप्रेशन, है ना, ये पूरा का पूरा एक्सप्रेशन हम इस तरीके से कैंसिल कर सकते हैं। तो क्या बच गया, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा व्हिच इज टेंजेंट थीटा एंड व्हिच इज इक्वल्स टू आरएचएस एंड हेंस प्रूफ, ठीक है, समझ में आया, क्लियर हो गया। अब कुछ बच्चे को लग रहा होगा कि मैम ये वाला आपने क्वेश्चन कैसे सॉल्व किया, तो लुक अगेन,
अगर आपके पास कुछ ऐसा क्वांटिटी है फॉर एग्जाम्पल 5 into 4, ठीक है, और नीचे भी लिख दिया मैंने 5 into 4, क्लियर। अब इस 4 को आप क्या लिख सकते हो, यू कैन राइट इट इन मेनी वेज लाइक 2+2 एंड 3+1, सिमिलरली 1+3 कैसे भी लिख सकते हो। मैं इसको वैसे ही कुछ लिख देती हूँ, 5 into 3+1 डिवाइडेड बाय 5 into क्या आ जाएगा, 3+1। अब ये एक्सप्रेशन क्या है, मल्टीप्लिकेशन में है ना, इवन अगर माइनस में भी है तो माइनस में भी बहुत तरीके से लिखा जा सकता है, 10-6 लिखा जा सकता है, 5-1 लिखा जा सकता है, कैसे भी लिखा जा सकता है। बट द मेन कंसर्न कहाँ लाई करता है कि ये दोनों जो एक्सप्रेशन हैं वो कैसे हैं, मेरे मल्टीप्लिकेशन में है, सो वी कैन कैंसिल दीज। लेकिन हाँ, अगर एडिशन में होता, अगर कुछ ऐसा होता कि 5+4 अपॉन में 5-4, तब हम 4 से 4 कैंसिल नहीं कर सकते, ठीक है। ये मल्टीप्लिकेशन में है इसीलिए इन्हें कैंसिल किया जा सकता है, ठीक है, ये ध्यान रखना है। क्योंकि हम कई बार क्या करते हैं, हमें सेम सेम चीजें दिख जाती हैं लेकिन हम ऑपरेशन का ध्यान नहीं रखते और हम क्या कर देते हैं, गलती। लेकिन आपको नहीं करना, ठीक है, आपने क्या ध्यान रखना है, कैंसिलेशन वही होगा जहां पर आपको क्या दिख रहा है, मल्टीप्लिकेशन दिख रहा है या डिविजन, ठीक है। लेकिन अगर एक्सप्रेशन के साथ कुछ एडिशन मल्टीप्लिकेशन हो रहा है तो एक टर्म किसी से भी कैंसिल नहीं होगी, ठीक है, समझ में आया। चलो नेक्स्ट करते हैं हम, दैट इज क्वेश्चन नंबर या पार्ट नंबर 8। पार्ट नंबर 8 में देखो क्या है, पार्ट नंबर 8 में आपको गिवन है साइन ए प्लस में कॉसिकेंट ए का होल स्क्वायर। देखिए यहां कर रही हूं मैं पार्ट नंबर 8। अब देखो यहां पर क्या करना है आपको, मैं यहां पर स्टार्ट कर रही हूं आपका पार्ट नंबर 8। आपको गिवन है क्या, सॉरी प्रूव करना है, ये तो साइन ए प्लस में कॉसिकेंट ए का होल स्क्वायर, ठीक है, ये क्या है होल स्क्वायर प्लस कॉस ए प्लस में सीकेंट ए का होल स्क्वायर, कॉस ए प्लस सीकेंट ए का होल स्क्वायर, ये प्रूव करना है मुझे किसके बराबर, 7 प्लस टेंजेंट स्क्वायर ए प्लस में क्या कॉट स्क्वायर ए, 7 प्लस कॉट स्क्वायर ए प्लस में टेंजेंट स्क्वायर ए, इसके इक्वल प्रूव करना है, यानी साइन ए प्लस में कॉसेकेंड ए, कॉस ए प्लस में सेकेंड ए का होल स्क्वायर, ठीक है। अब क्या कर सकते हैं हम यहाँ पर, बेस्ट है, क्या बेस्ट है कि मैम कुछ समझ में नहीं आ रहा तो साइन कॉस में चेंज कर लेते हैं और जो समझ आ रहा वो कर लेते हैं। कैसे, क्या समझ आ रहा है कि बाहर क्या लगा हुआ है, होल स्क्वायर लगा हुआ है, तो होल स्क्वायर की आइडेंटिटी सॉल्व करनी आती है वो हम कर लेते हैं, तो करते हैं फिर, ठीक है। यही क्या है, आपने स्टार्ट कर देना यहां से कि आप क्या कर लो, पहले साइन कॉस में इसको चेंज कर लो, बट उसके पहले आप क्या मेंशन करोगे, टेकिंग एलएचएस, एंड टेकिंग एलएचएस जब भी लेंगे तो इक्वालिटी हमें नहीं भूलना है। देखिए साइन ए प्लस में कॉसिकेंट ए होल स्क्वायर प्लस कॉस ए प्लस सीकेंट ए का होल स्क्वायर, ठीक है, चेंज कर दो साइन कॉस में, साइन का तो साइन ही रहेगा, प्लस 1 अपॉन साइन ए का होल स्क्वायर प्लस कॉस ए प्लस 1 अपॉन कॉस ए का होल स्क्वायर, ठीक है। अब क्या करें, एलसीएम, नेक्स्ट मेथड हमारा एलसीएम रहता है, दैट इज साइन स्क्वायर ए प्लस 1 अपॉन साइन ए, और यहां पर प्लस का कॉस स्क्वायर ए प्लस 1 अपॉन में कॉस ए का होल स्क्वायर, ठीक है। अब क्या करना है, बेस्ट आपके पास क्या रहता है, बेस्ट इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि हमें और कुछ क्या है जच नहीं रहा, अभी समझ नहीं आ रहा, ठीक है, होल स्क्वायर है, इनको खोल देते हैं। होल स्क्वायर कैसे खुलेगा, ऊपर a अपॉन b, कोई भी फ्रैक्शन का अगर आपको होल में स्क्वायर गिवन है तो कैसे सॉल्व करते हैं आप उसको, हाउ डू वी सॉल्व इट, वी सॉल्व इट यूजिंग कौन से मेथड से सॉल्व करते हैं हम इसे, बाय ए स्क्वायर अपॉन में बी स्क्वायर। सिंपल है कि आपका क्या है, न्यूमरेटर का स्क्वायर अलग हो जाता है, डिनोमिनेटर का स्क्वायर अलग हो जाता है, ठीक है, सिंपल करें वैसे ही। देखो उसके बाद आपके पास क्या रहता है, यहाँ पर ये रहेगा साइन स्क्वायर, यानी कि ये बन गया क्या साइन पावर 4 ए प्लस 1, ठीक है, नाउ 2 साइन स्क्वायर ए, दैट मीन्स 2 साइन ए बी, 2 ए बी, ठीक है, डिवाइडेड बाय साइन स्क्वायर ए। सिमिलरली यहां पर क्या आया, यहां पर आएगा आपके पास कोस पावर 4 ए प्लस 1 प्लस में 2 कोस स्क्वायर ए डिवाइडेड बाय कोस स्क्वायर ए, ठीक है।
अब देखो क्या किया मैंने, सबसे पहले LHS ले लिया, तो LHS हम लिख लेते हैं क्या, साइन ए प्लस में कॉसिकेंट ए का होल स्क्वायर प्लस कॉस ए प्लस में सीकेंट ए का होल स्क्वायर। अब ये लिख तो लिया लेकिन करें क्या, सबसे पहला काम हमें दिख रहा है कि होल स्क्वायर है, तो होल स्क्वायर सॉल्व कर लेते हैं कैसे, ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, ए स्क्वायर दैट इज साइन स्क्वायर ए प्लस कॉसिकेंट स्क्वायर ए प्लस टू साइन ए इंटू कॉसिकेंट ए, टू ए भी होता है ना, टू साइन ए इंटू कॉसिकेंट ए, ठीक है। सिमिलरली ये प्लस, यहाँ स्पेस नहीं है तो मैंने यहाँ लिख रही हूँ, तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर यहाँ भी लगेगा, दैट इज कॉस स्क्वायर ए प्लस सीकेंट स्क्वायर ए प्लस क्या आ जाएगा, टू कॉस ए इंटू सीकेंट ए। अब देखो साइन और कॉस तो एक दूसरे के रेसिप्रोकल होते हैं, तो कॉसिकेंट कैन बी रिटन एज वन अपॉन साइन और साइन से साइन कैंसिल हो गया, ऐसे ही कॉस और सीकेंट एक दूसरे के रेसिप्रोकल होते हैं, ठीक है। अब जैसे ही आपने क्या किया, एडिशन किया, तो मुझे यहां पर ये मिल गया साइन स्क्वायर ए प्लस में कॉस स्क्वायर ए, ये साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर मिल गया, तो मुझे क्या मिला वन, जब इनको एड किया वन, और यहां से मिला टू प्लस का कॉसिकेंट स्क्वायर ए प्लस का सीकेंट स्क्वायर ए, ठीक है, ये चीज मिल गई मुझे। अब इनको ऐड कर लेते हैं, टू प्लस टू फोर प्लस वन फाइव, अब फाइव प्लस कॉसिकेंट स्क्वायर ए प्लस सीकेंट स्क्वायर ए तो मिल गया, लेकिन RHS में मुझे क्या चाहिए, मुझे तो सेवन चाहिए और कॉसिकेंट की जगह कोटेंजेंट और टेंजेंट चाहिए इन दोनों की जगह पर, लेकिन हाँ आपस में रिलेशन में जानती हूँ क्या, देखो यूजिंग आइडेंटिटी, जो हमने क्या है आइडेंटिटीज पढ़ी थी इनके अलावा, कौन से साइन कॉस के अलावा जो आइडेंटिटी पढ़ी थी, तो यूजिंग आइडेंटिटी, कौन सी आइडेंटिटी, देखो हमने पढ़ा था क्या, कॉसिकेंट स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू वन, एंड ऑल्सो सीकेंट स्क्वायर थीटा माइनस टेंजेंट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू वन, ये दो आइडेंटिटीज पढ़ी थी। अब इन दोनों का यूज करके आप कॉसिकेंट स्क्वायर ए और सीकेंट स्क्वायर ए की वैल्यू निकाल सकते हो, कैसे, देखो कॉसिकेंट स्क्वायर थीटा कैन बी रिटन एज वन प्लस कॉट स्क्वायर थीटा एंड सीकेंट स्क्वायर थीटा कैन बी रिटन एज वन प्लस टेंजेंट स्क्वायर थीटा, और इससे फायदा क्या होगा, फायदा देखो अभी दिख जाएगा, फाइव प्लस वन प्लस क्या है कॉट स्क्वायर थीटा प्लस सॉरी कॉट स्क्वायर थीटा की जगह कॉट स्क्वायर ए आएगा, क्यों आएगा, बिकॉज हम स्टार्टिंग से ही क्या है ए यूज कर रहे थे, प्लस वन प्लस सीकेंट स्क्वायर ए, ठीक है। अब देखो वन प्लस वन यानी टू, फाइव प्लस टू सेवन, सेवन प्लस कॉट स्क्वायर ए प्लस सीकेंट स्क्वायर ए, सॉरी यहां पर हमने क्या गड़बड़ कर दी, यहाँ पर तो कॉट स्क्वायर थीटा और यहाँ पर सीकेंट थीटा की जगह हमने क्या लिखना था, वन प्लस टेंजेंट स्क्वायर ए, है ना, सीकेंट ए की जगह क्या लिखना था, टेंजेंट स्क्वायर ए लिखना था, और यहाँ पर आ गया कॉट स्क्वायर ए प्लस में टेंजेंट स्क्वायर ए विच इज इक्वल टू RHS एंड हेंस वी हैव प्रूव दिस आइडेंटिटी जो हमें कहा गया था, सिंपल। कई बार ऐसा होता है कि हमें एक बार में समझ में भी नहीं आता कि क्या किया जाए, है ना, कई बार ऐसा होता है कि हम इसको साइन कॉस में चेंज करके फिर कुछ करें, बट हाँ अगर आप क्या करोगे इसको साइन कॉस में चेंज करोगे, जैसे कि कॉसिकेंट को अगर वन बाय साइन लिखोगे तो क्वेश्चन हो जाएगा बट थोड़ा लेंदी हो जाएगा, इन दैट केस यू माइट हैव टू सॉल्व द राइट हैंड साइड ऑल्सो, है ना, हो सकता है कि राइट हैंड साइड भी सॉल्व करना पड़ेगी, लेफ्ट हैंड साइड कुछ आ रहा है और राइट हैंड साइड को सॉल्व करके वो समथिंग आ रहा है, तो दैट वो क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा, ठीक है। ट्रिग्नोमेट्री का यही एक फायदा है और नुकसान भी कह सकते हो कि इट कैन बी डन इन मेनी वेज, आप क्या है बहुत तरीकों से एक आइडेंटिटी को प्रूव कर सकते हो, ठीक है। तो चलो अब देखते हैं हम अपना नाइन्थ पार्ट विच इज नाइन्थ पार्ट में है कॉसिकेंट ए देखो अब नाइन्थ पार्ट में देखो क्या लिखा है, कॉसिकेंट ए माइनस साइन ए इंटू सीकेंट ए माइनस कॉस ए इज इक्वल टू वन अपॉन टेंजेंट ए प्लस कोटेंजेंट ए, ठीक है। अब यहाँ पर हमें क्या प्रूव करना है, ये आइडेंटिटी क्या है, टैन ए प्लस कॉट ए में लेकर आना है, और यहाँ पर मुझे गिवन कैसा है, साइन कॉस में कुछ है, मतलब पार्शली साइन कॉस में गिवन है, तो इसको कंप्लीटली साइन कॉस में चेंज कर लेते हैं, ठीक है। क्या करना है, सबसे पहला काम टेकिंग LHS, टेकिंग LHS। अब स्टेटमेंट आपको दिखी रही है तो स्टेटमेंट आई एम नॉट राइटिंग इट डाउन, ठीक है, बार बार नहीं लिख रही हूँ मैं, सिर्फ हम लिख रहे हैं टेकिंग LHS एंड विच इज इक्वल टू कॉसिकेंट ए माइनस माइनस साइन ए, ठीक है।
डिवाइडेड बाय क्या आ जाएगा यहाँ पर, सॉरी डिवाइडेड में तो है ही नहीं कुछ, मल्टीप्लीकेशन में आया, मल्टीप्लीकेशन में क्या आ गया, सेकेंड ए माइनस कॉस ए, सेकेंड ए माइनस कॉस ए। ठीक है, अब देखो दो तरीके हैं आपके पास क्या, कि या तो आप क्या कर लो साइन को मतलब कॉसिकेंड को चेंज कर लो साइन में, या फिर क्या कर लो साइन को चेंज कर लो कॉसिकेंड में। लेकिन एक फायदा हो जाएगा क्या, साइन को अगर हम कॉसिकेंड में चेंज करें तो कैसे, क्योंकि कॉसिकेंड स्क्वायर माइनस वन, देखो यहां मैंने आपको आइडेंटिटी लिखवाई थी ना, कॉसिकेंड का ये जो वन है इक्वल टू वन, अगर मैं इस तरफ ले आऊं और कॉट को उधर ले जाऊं तो मुझे डायरेक्ट कॉट की वैल्यू मिल जाएगी और टैन कॉट में मुझे चेंज करना है, तो बेटर है कि उसी तरफ काम करते हैं, है ना डायरेक्टली। तो देखो क्या किया मैंने कि पार्शली मैंने क्या किया, कॉसिकेंड ए को साइन में चेंज करने के बजाय साइन को चेंज कर दिया, साइन कैन बी रिटन एज वन अपॉन कॉसिकेंड ए, लिख सकते हैं ना, कॉस को लिखा मैंने वन अपॉन सिकेंड ए। ठीक है, अब फ्रैक्शन है क्या कर दो, एलसीएम ले लो, यहां पर क्या आ गया, यहां पर आया कॉसिकेंड स्क्वायर ए माइनस वन डिवाइडेड बाय कॉसिकेंड ए। ठीक है, और यहां पर मिलता है मुझे क्या, सीकेंट स्क्वायर ए माइनस वन डिवाइडेड बाय सीकेंट ए, मिल गया। अब देखो ध्यान से, मैं दोबारा से लिख देती हूं क्या, यूजिंग आइडेंटिटी, कौन सी आइडेंटिटी, तीन ही तो आइडेंटिटी पड़ी है, उनमें से दो अभी यूज हो जाएंगी, कौन सी, कॉसिकेंट स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए इक्वल टू वन, यहां से कॉसिकेंट स्क्वायर माइनस वन की वैल्यू आपको क्या मिलती है, कॉट ए, कॉट स्क्वायर ए, एंड सिमिलरली क्या आ जाएगा, secant square a minus tangent square a is equals to 1, यहां से secant square a minus 1 की वैल्यू आ जाएगी tangent square a, तो पुट कर देते हैं, यूजिंग दिस आइडेंटिटी आई कैन राइट दिस एक्सप्रेशन एज cot square a, लिख सकती हूँ मैं, ठीक है, डिवाइडेड बाय cosecant a, मल्टीप्लीकेशन में क्या आएगा tangent square a एंड डिवाइडेड बाय secant a। अब हम देखते हैं कि हमें प्रूव क्या करना है, हमारा RHS किसके बराबर है, RHS है 1 अपॉन tangent a प्लस में cotangent a, 1 अपॉन यानी कि यहां पर तो कुछ एडिशन में है, तो एडिशन में कैसे आ सकता है देखते हैं, पर सबसे पहला काम करते हैं इसको tan cot में लेकर आते हैं, tan cot में लेकर आने के लिए देखो क्या आएगा, यहां पर sin cos में अगर मैं चेंज करूं तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, sin a 1 अपॉन cosecant a को ऊपर लिख दिया मैंने क्या, sin a, और टेंजेंट कोटेंजेंट स्क्वायर ए को क्या लिख दिया मैंने, टेंजेंट स्क्वायर ए, जब ये नीचे आ जाएगा तो टेंजेंट स्क्वायर ए लिखा जाएगा, मल्टीप्लीकेशन में क्या आ गया, यहां पर टेंजेंट स्क्वायर ए एज इट इज रहने दो, क्यों, क्योंकि क्या है मल्टीप्लीकेशन में है, राइट, चाहो तो यहां से भी आप वन लिख सकते हो कोई दिक्कत नहीं है, और उसके बाद यहां पर क्या आएगा, यहां पर मल्टीप्लीकेशन में आपके पास क्या है, सीकेंट का बन जाएगा कॉस ए। ठीक है, अब टेन स्क्वायर से टेन स्क्वायर कैंसिल हो गया, बच क्या गया, साइन ए इंटू कॉस ए, साइन ए इंटू कॉस ए, लेकिन ये एडिशन में तो आया नहीं, आरएचएस में तो कुछ एडिशन में था, तो इसका मतलब हुआ कि हमें आरएचएस को भी सॉल्व करना पड़ेगा। ठीक है, क्योंकि यहां पर तो अब कोई पॉसिबिलिटी रह ही नहीं जाती कि क्या करा जाए अब, है ना, तो ये मुझे मिल गया डिनोमिनेटर में साइन ए इंटू में कॉस ए। अब करते हैं हम आरएचएस को सॉल्व, देखो टेकिंग आरएचएस, अब RHS क्या है, 1 अपॉन RHS है 1 अपॉन tan a प्लस में cot a, 1 अपॉन tan a प्लस cot a। ठीक है, ये आ गया आपके पास, अब यहां पर बेस्ट आपको वही दिख रहा है कि यहां पर sin a इंटू cos a है, तो इसका मतलब यहां पर भी कुछ sin a इंटू cos a में करना चाहिए, है ना, तभी मुझे कुछ मिल सकता है, तो कर देते हैं, क्या आएगा 1 अपॉन tan a को क्या लिख सकते हैं हम, we can write it as sin a upon में cos of a, ठीक है, plus cos of a divided by sin of a, क्या कर दो LCM ले लो, ठीक है, 1 upon LCM लिया तो क्या आ गया, cos a into sin a या sin a into cos a, ठीक है, और यहाँ पर LCM लेने के बाद जब fraction को solve किया तो मुझे numerator में मिलता है क्या sin square a, और यहाँ पर मिलता है cos square a। ठीक है, नाउ फ्रैक्शन से जब फ्रैक्शन डिवाइड होता है तो डिनोमिनेटर न्यूमरेटर में आ जाता है, तो दिस cos a इनटू sin a या sin a इनटू cos a आपके पास क्या आ गया, न्यूमरेटर में आ गया, लेकिन डिवाइड में क्या है, sin स्क्वायर a प्लस में cos स्क्वायर a, वो तो हमें आइडेंटिटी आती है दैट इज इक्वल्स टू 1, है ना, तो यहां पर आप लिख सकते हो क्या, यूजिंग आइडेंटिटी
यूजिंग आइडेंटिटी, कौन सी आइडेंटिटी है ना, तीन ही तो आइडेंटिटी पड़ी है, घूम फिर के वही आ जाती है, है ना, तो बस उन्हीं का यूज कर लो, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर इज इक्वल्स टू वन, यहाँ पे पुट किया तो मुझे मिलता है क्या, साइन ए इंटू में कॉस ए, ठीक है, सो दिस इंप्लाइज एलएचएस इक्वल्स टू, दिस इंप्लाइज एलएचएस इक्वल्स टू आरएचएस एंड माय सॉल्यूशन इज प्रूव, या माय आइडेंटिटी इज प्रूव, हैंस प्रूव, आंसर खत्म, समझ में आया। देखो जैसे जैसे आप करते रहोगे ना तो आपके लिए बहुत इजी हो जाएगा, आपको मजा आने लगेगा कि अरे ये इसको ऐसे चेंज कर सकते, इसको ऐसे चेंज कर सकते, बिकॉज इट इज अ वेरी इंटरेस्टिंग टॉपिक, है ना, आप कहोगे कि आपके दिमाग में भी एक से ज्यादा सॉल्यूशन चल रहे होंगे, ठीक है, कि इसको साइन कॉस में चेंज कर सकते हैं, इसको वैसे चेंज कर सकते हैं, सो यू विल बी हैबिचुअल सून, बट कीप प्रैक्टिसिंग, अगर प्रैक्टिस छोड़ दिया तो सबसे टफेस्ट टॉपिक बनने वाला है ये आपके लिए, बट आपने छोड़ना नहीं है, आप तो करते रहोगे, बहुत अच्छे बच्चे हमारे, है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अब देखो टेंथ क्वेश्चन में आपके पास आता है तीन एक्सप्रेशन दिए हैं आपको, ठीक है, तीन एक्सप्रेशन कैसे दिए हैं आपको, प्रूव करना है क्या, वन प्लस टेंजेंट स्क्वायर ए अपॉन वन प्लस कॉट स्क्वायर ए इज इक्वल टू टेंजेंट स्क्वायर ए, लास्ट में देखो बिल्कुल जो थर्ड एक्सप्रेशन है वो टेंजेंट स्क्वायर ए का है, तो वो आपने प्रूव करना है कि टेंजेंट स्क्वायर ए है। नेक्स्ट आपको जो मिडल वाला एक्सप्रेशन है दैट इज 1 माइनस टैन ए अपॉन 1 माइनस कॉट ए का होल स्क्वायर, आपको प्रूव करना है क्या टेंजेंट स्क्वायर ए के इक्वल है, तो हम भी क्या करना है 1 बाय 1 सॉल्व करना है, ठीक है, तो सबसे पहले क्या करना है, आपने एलएचएस लिया कि 10th पार्ट में लिख देती हूँ यहाँ पर टेकिंग एलएचएस, ठीक है, टेकिंग एलएचएस, और नेक्स्ट जो मिडल एक्सप्रेशन है दैट आई विल बी कंसिडरिंग द पार्ट टू या एलएचएस पार्ट वन लिखते हैं इसको, LHS part 1 and that second part क्या हो जाएगा LHS part 2, तो part 1 में तो बहुत ही easy है, देखो क्या करना है 1 plus tangent square a upon 1 plus cot square a, है ना, यही given है, और इसे हमें प्रूव करना है किसके बराबर, tangent square के बराबर put करना है, तो tangent square तो ऑलरेडी है लेकिन यहाँ से cot भी हटाना है, 1 भी हटाना है, तो बेस्ट क्या रहेगा आपके लिए, अब आप कहोगे मैडम हमेशा बेस्ट बेस्ट करती रहती है, है ना, तो आपके लिए सबसे अच्छा तरीका क्या रहने वाला है यहाँ पर, कि साइन कॉस में चेंज कर दो, जैसे ही साइन कॉस में चेंज किया तो यू विल सी द डिफरेंस, कैसे देखोगे डिफरेंस, देखो अभी दिखाते हैं आपको मैजिक, ये आ जाएगा किसके बराबर, टेंजेंट स्क्वायर ए के बराबर, मैंने पुट किया टेंजेंट स्क्वायर ए की जगह साइन स्क्वायर ए अपॉन कॉस स्क्वायर ए, कॉट स्क्वायर ए की जगह कॉस स्क्वायर ए अपॉन में साइन स्क्वायर ए, फिर मैंने क्या ले लिया एलसीएम, एंड जब आप एलसीएम लोगे तो यू विल सी कि न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर दोनों में ही कॉस स्क्वायर ए प्लस में साइन स्क्वायर ए बनेगा एंड विच गिव्स यू वन, लेकिन डिनोमिनेटर जो है फ्रैक्शन का यानी एलसीएम पार्ट दोनों ही फ्रैक्शन का कुछ रहने वाला है। देखो अब थोड़ा तो बता दिया, थोड़ा कुछ बच्चों को आइडिया लग गया होगा कि आंसर आ गया है, ज्यादा दूर नहीं है आंसर, और कुछ बच्चों जिनको नहीं समझ में आया उनको अब आ जाएगा। देखो जैसे ही फर्स्ट न्यूमरेटर का मैंने एलसीएम लिया मुझे मिला कॉस स्क्वायर ए प्लस में साइन स्क्वायर ए डिवाइडेड बाय कॉस स्क्वायर ए, ठीक है, अब अगेन डिवीजन में क्या है साइन स्क्वायर ए प्लस यहाँ पर ऑलरेडी है कॉस स्क्वायर ए अपॉन में क्या साइन स्क्वायर ए, ठीक है, नाउ ये क्या बन गया एक्सप्रेशन वन, यहाँ पर आप आइडेंटिटी लिख दोगे कि यूजिंग साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इज इक्वल टू वन, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इज इक्वल टू वन, तो वन पुट करेंगे इस एक्सप्रेशन में मुझे मिलता है वन अपॉन कॉस स्क्वायर ए अपॉन वन अपॉन साइन स्क्वायर ए, और जैसे ही इस एक्सप्रेशन को सॉल्व किया तो ये साइन स्क्वायर ए कहाँ आ जाएगा, इट विल बी इन न्यूमरेटर एंड इट विल गिव यू साइन स्क्वायर ए अपॉन कॉस स्क्वायर ए, तो ये मिलता है आपको टेंजेंट स्क्वायर ए आ गया आर एच एस के बराबर विच इज इक्वल टू आर एच एस, राइट। अब हम क्या करने वाले हैं, वी विल टेक द पार्ट टू, taking LHS part 2, taking LHS and here I'm writing part 2, ठीक है, part 2 में क्या है देखो यहाँ पर है 1 minus tan A upon 1 minus cot A, 1 minus cot A है ना, am I right, yes 1 minus cot A whole square, ठीक है, इसका क्या है आपको whole square, now क्या करो यहाँ पर भी जैसे यहाँ पर आपको क्या है अलग अलग स्क्वायर दिया होता बट यहाँ पे होल स्क्वायर है, तो बेस्ट अगेन क्या रहेगा कि साइन कॉस में चेंज कर लो, ठीक है, साइन कॉस में चेंज करने से काफी इजी हो जाता है आपका क्वेश्चन, तो कर लो, ठीक है, जैसे मैंने इसे साइन कॉस में चेंज किया तो ये टेंजेंट की जगह पर क्या बन गया साइन ए अपॉन कॉस ए अपॉन वन माइनस कॉस ए अपॉन साइन ए,
बट होल स्क्वायर को नहीं भूलना, होल स्क्वायर तो बाहर जो है वो एज इट इज रहने ही वाला है. अंदर क्या किया, फिर से मैंने एलसीएम सॉल्व किया, दैट इज कॉस ए माइनस साइन ए अपॉन कॉस ए, ठीक है, अपॉन कॉस साइन की आ गया यहां पर साइन ए माइनस कॉस ए अपॉन साइन ए. अगेन होल स्क्वायर भूलना नहीं है. अब यहां पर क्या करोगे आप, यहां पर कुछ सॉल्यूशन पार्ट करना, क्योंकि अब अंदर कुछ भी सॉल्व करने लायक नहीं बचा हमारे लिए, नहीं बचा ना कि कॉस ए माइनस साइन ए नहीं पता क्या होता है, आइडेंटिटी भी नहीं लगती है. तो क्या करो, अब आप होल स्क्वायर को सॉल्व कर लो. ए अपॉन बी का होल स्क्वायर क्या होता है, ए स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर, ठीक है. अब साथ ही साथ में क्या करो, दो एक्सप्रेशन है आपके पास, या मैं कहूँ दो फ्रैक्शन है डिविजन में, तो इनको क्या कर दो, नीचे डिनोमिनेटर में जो फ्रैक्शन है उसका रेसिप्रोकेट कर दो, ठीक है. तो क्या किया मैंने, कॉस ए माइनस साइन ए का होल स्क्वायर, है ना, आएगा ना, जैसे ही मैंने ए स्क्वायर किया, ए के अंदर भी तो फर्दर ए वन अपॉन ए टू हो गया, तो कॉस ए माइनस साइन ए अपॉन कॉस स्क्वायर ए मल्टीप्लाई क्या आएगा, साइन स्क्वायर ए अपॉन क्या आएगा, साइन ए माइनस कॉस ए, साइन ए माइनस कॉस ए का होल स्क्वायर, ठीक है, साइन ए माइनस कॉस ए का होल स्क्वायर. अब ये साइन और कॉस तो बन गया टेंजेंट, ये बन गया आपके पास टेंजेंट स्क्वायर ए. अंदर क्या बच गया, कॉस ए माइनस साइन ए का होल स्क्वायर अपॉन साइन ए माइनस कॉस ए का होल स्क्वायर, ठीक है. नाउ ये होल स्क्वायर जो था मैंने फिर से कंबाइंड लिख दिया, आप चाहो तो अलग अलग भी लिख सकते हो, कोई फर्क नहीं पड़ता. बट अब रहता क्या है, टेंजेंट स्क्वायर है तो आ गया, अब इसे गायब करना है. इसे कैसे गायब किया जा सकता है, देखो यहाँ पर कैसे गायब करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इसको सॉल्व कर सकते हो, या तो बेस्ट मतलब बेस्ट तो क्या कि इसे आप सॉल्व कर सकते हो कॉस ए माइनस साइन ए का होल स्क्वायर, ठीक है. और फिर क्या करोगे, यहाँ पर भी साइन ए माइनस कॉस ए का होल स्क्वायर लगा दोगे, तो क्या आएगा, ए स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर, यानी कॉस स्क्वायर ए प्लस में साइन स्क्वायर ए बन जाता है वन. फिर टू यहाँ पर आएगा आपके पास माइनस का टू साइन ए इंटू कॉस बी, या मतलब टू साइन ए इंटू कॉस ए, और नीचे भी आने वाला है क्या, माइनस का टू साइन ए इंटू कॉस बी आएगा, तो वो तो कैंसिल ही हो जाएगा, है कि नहीं. देखो मैं इसको क्या कर रही हूँ, सॉल्व करके करने के लिए, मतलब इसका क्या है, होल स्क्वायर खोल रही हूँ, टेंजेंट स्क्वायर ए एंड ब्रैकेट में क्या रहेगा, ये होल स्क्वायर मैं इसका यहाँ ओपन कर रही हूँ, दैट इज कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए प्लस का सॉरी माइनस का टू साइन ए इंटू कॉस बी. मल्टीप्लीकेशन इज कॉम्यूटेटिव तो कोई फर्क नहीं पड़ता, आप साइन ए इंटू कॉस ए लिख दो या कॉस ए इंटू साइन ए लिख दो, कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है. नीचे भी क्या आएगा आपके पास, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए माइनस टू साइन ए इंटू कॉस ए, यस और नो, यस. नाउ अब देखो क्या आएगा, अगेन सेम आइडेंटिटी यूज करनी है, दैट इज कॉस स्क्वायर ए, नहीं लिखा हमने, ओके okay, उस पार्ट में लिखा है साइन स्क्वायर ए प्लस में कॉस स्क्वायर ए इज इक्वल टू वन, तो ये मुझे देता है वन, वन प्लस टू साइन ए इंटू कॉस ए अपॉन वन माइनस टू, यहाँ पर माइनस आएगा बेटा, ठीक है, ये यहाँ माइनस है, वन माइनस टू साइन ए इंटू कॉस ए. नाउ टेल मी, ये एक्सप्रेशन क्या सेम नहीं है, a अपॉन b जो आपका फ्रैक्शन बन रहा है ये तो सेम ही बन रहा है, यहाँ भी 1 माइनस टू साइन ए इंटू कॉस है, यहाँ भी 1 माइनस टू साइन ए इंटू कॉस है, तो ये हो जाता है कैंसिल एंड वी आर लेफ्ट विद टेंजेंट स्क्वायर a. हमारे पास बचता है टेंजेंट स्क्वायर a एंड विच इज इक्वल टू आर एच एस, यही तो प्रूव करना था हमें, एंड हेंस प्रूव्ड, तो आइडेंटिटी हमारी क्या हो गई, प्रूव, ठीक है. सो विद दिस योर एक्सरसाइज इज ऑल्सो कम्प्लीट, है ना. आपके पास 8.4 जो एक्सरसाइज थी उसके अंदर लास्ट पार्ट में 10 क्वेश्चन थे, 10 पार्ट थे, है ना. तो वो जो 10 पार्ट थे वो हम ऑलरेडी कर चुके हैं, धीरे धीरे स्लोली स्लोली वी हैव डन ऑल द क्वेश्चन एंड रिमेम्बर ये सारे क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है. आप इसको क्या कर लो, अच्छे से रिवाइज करो, अच्छे से प्रैक्टिस करो, सो दैट आपको ये भूले नहीं कि हमने कैसे किया और क्या किया, ठीक है, समझ में आया. एंड आई होप ट्रिग्नोमेट्री कुछ ना कुछ तो आपकी क्या है, यूज टू हो गई होगी. मेक इट फ्रेंडली, है ना, मेक इट योर फ्रेंड. ट्रिग्नोमेट्री को जब आप अपना फ्रेंड बना लोगे तो ये आपका बेस्ट फ्रेंड बन जाएगा, ठीक है. एंड ये बहुत सारे टॉपिक्स में आपकी हेल्प भी करने वाला है. सो स्टे ट्यून टू स्कूल जी एंड गेट द एक्सेस टू इनफाइनाइट लर्निंग. थैंक यू.